जनपद हमीरपुर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यातायात नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। महोबा में सामूहिक विवाह सम्मेलन में जाते वक्त फॉर्चूनर गाड़ी में प्रदेश अध्यक्ष लगाए थे सीट बेल्ट। महाराष्ट्र में सरकार न बनाने पर कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, हम समझौता धर्म निभाते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू है, आगे सरकार बनाने की प्रक्रिया जारी है, जिनके पास बहुमत होगा और जो कांग्रेस पार्टी का नाटक है वो नाटक समाप्त होगा। महोबा जिले में सामूहिक विवाह सम्मेलन में जाते वक्त नगर पालिका अध्यक्ष के घर पर दिया बयान। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का स्वागत करते हुए बोले, मैं राज्य और केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, इतना बड़ा निर्णय के बाद भी गंगा यमुना तहजीब है, आज उत्तर प्रदेश में कायम है और विकास पर नज़र है और गांव गरीब कैसे खुशहाल हो, प्रदेश सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। हमीरपुर जिले में आगमन के दौरान बोले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। देखिए आज हमीरपुर मेरा आगमन हुआ है, महोबा में कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री ऐसे शादी समारोह हर जनपदों में हर ब्लॉकों में हो रहा है, आज उसी के तरफ नहीं पुराना हुआ। मैं हमीरपुर विधानसभा के समस्त मतदाता हूँ, इस प्रकार बीजेपी का परचम फहराए और यहाँ से विधायक का चुनाव हम जीते, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर हमीरपुर वासियों का मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र में सरकार की नई बन पाई, राष्ट्रीय शासन लगे, उस बारे में क्या कहना है? देखिए समझौता धर्म हम लोग निभाते हैं, अब उसके तहत आज की डेट में राष्ट्रपति शासन लागू है, आगे सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है, अब जिनके पास बहुमत होगा और जो कांग्रेस का नाटक है नाटक समाप्त होगा। तो जैसा कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सीएम योगी जी को अध्यक्ष बनाने की मांग चल रही है, इस बारे में क्या बात है? देखिए जो निर्णय आया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ और राज्य और केंद्र सरकार की बधाई देना चाहता हूँ, इतना बड़ा निर्णय होने के बाद भी जो गंगा जमुनी संस्कृति आज उत्तर प्रदेश में कायम है, लोग विकास के लिए विकास पर नजर है और गांव गरीब खुशहाल कैसे हो, इसी के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों का कल्याण कैसे हो, गरीबों की खुशहाली कैसे हो, इसी रास्ते पर हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सीएम जी को अध्यक्ष बनाने की मांग चल रही है, राम मंदिर ट्रस्ट है, केंद्र सरकार राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी, तो यही कह सकता हूँ जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है उस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं और राज्य में ऐसा शांति कायम रहे और गरीबों का विकास हो, प्रदेश खुशहाल हो, बस इसी के लिए रात हम लोगों परिश्रम की पराकाष्ठा। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।